हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, अभी 23 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं जेट के। तो एडमिट कार्ड आपके जेट के आ चुके हैं, तो आप उसको किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पर टाइप करना है, देखिएगा, टाइप करना है। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ जेट एडमिट कार्ड, ये इस प्रकार से टाइप करना है। और उसके बाद में यहाँ पे एक नया पेज ओपन होके आएगा, नीचे आपको चलना है और यहाँ पे देखिएगा, ये लिखा होगा सेकंड पे, जेट एग्रीकल्चर 2020 एडमिट कार्ड रिलीज, गेट हॉल टिकट हेयर, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक नया पेज ओपन होके आएगा और यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और जिस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। अब इस पे क्लिक करना आपको, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे देखिएगा, जेट का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे दिखाया गया है, 29/9/2020 को जेट का एग्ज़ाम है। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, एप्लीकेशन आईडी नंबर आपको लगाने हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर लगाने हैं और पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद में आपको क्लिक करना है जेट पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में लॉगिन हो जाना, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे हो क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिएगा, नीचे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है, प्रिंट एडमिट कार्ड का, व्यू एप्लीकेशन फॉरम का और प्रिंट एप्लीकेशन फॉरम का। आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आपको क्लिक करना है एडमिट कार्ड पे। प्रिंट एडमिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार से ओपन होके आएगा। उसके बाद में आपको काम क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट एडमिट कार्ड पे ही आपको क्लिक करना है, ठीक है। प्रिंट एडमिट कार्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट एडमिट कार्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसके बाद में पहले इस पे इस कॉलम को आपको फिल करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे इस कॉलम को फिल कर लिया, उसके बाद में वापस यहाँ पे प्रिंट एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ये देखिएगा, बोल रहा है भी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड होके आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको इस प्रकार से, ये देखिएगा, इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। इस प्रकार से ये देखिएगा, मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। तो मैं इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी इंक्वायरी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी इंक्वायरी में आपको समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ओके, तो सभी को गुड इवनिंग भाई।